फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम कैसे बनता है, और ट्रू टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल क्या होती है, कैसे हम उन्हें बना सकते हैं। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि टाइमिंग डायग्राम ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप कैसे बनता है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कि आपको क्लॉक गिवन होगी एंड एस और आर इनपुट वैल्यूज आपको गिवन होगी और आपको बोला जाता है कि इन इनपुट्स के अकॉर्डिंग टाइमिंग डायग्राम बनाइए या फिर आउटपुट वेवफॉर्म बनाइए क्यूएन प्लस वन के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ टू टेबल फॉर एसआर फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर आपको ये टू टेबल याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ आपको क्लॉक एंड इनपुट्स गिवन होंगे, टेबल नहीं गिवन होती है, तो टेबल यहाँ पर आपको याद होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम टेबल की हेल्प से इनपुट्स के अकॉर्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म बना सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे क्लॉक को। क्लॉक में देखिए जो राइजिंग एज है, यहाँ पर आपका ट्रिगरिंग पॉइंट है, राइजिंग एज इसे ट्रिगर कर रही है। इट मींस फ्लिप फ्लॉप क्या है, पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप एंड पॉजिटिव एज ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप मींस केवल इसी एज ट्रिगरिंग पे ही इनपुट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट चेंज होगा, बाकी टाइम ड्यूरेशन पर आपका आउटपुट चेंज नहीं होगा। सो द फ्लिप फ्लॉप हियर इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप। और आप जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस करते हैं तो जो ट्रिगरिंग पॉइंट होता है वहां से आप डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से ये डॉटेड लाइंस आपकी हेल्प करेंगी ट्रिगरिंग पॉइंट को याद रखने में। सो लेट्स ड्रॉ द डॉटेड लाइन हियर। नेक्स्ट आउटपुट भी क्या मिलेगा, जीरो। क्लियर, नाउ इस
इनपुट है 1 और आर इनपुट है 0, क्योंकि सेट पिन 1 है, आउटपुट क्या मिलेगा 1, तो यहाँ आउटपुट वेवफॉर्म भी चेंज होगी 0 टू 1 में. क्लियर? नाउ एट नेक्स्ट क्लॉक पल्स एट दिस ट्रिगरिंग पॉइंट वैल्यू ऑफ एस इज 1 और आर की भी वैल्यू यहाँ पर क्या है 1. और देखिए जब 1-1 का केस होता है उस केस में इनवैलिड स्टेट होती है. इनवैलिड स्टेट मीन्स हमें नहीं पता वहाँ पर 0 है या फिर 1 है, सो इसे हम क्वेश्चन मार्क से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. क्लियर? तो ये है आउटपुट वेवफॉर्म कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इनपुट्स एस एंड आर. अब अगर हम बात करें ब्लॉक डायग्राम ऑफ एस आर फ्लिप फ्लॉप की, सो ब्लॉक डायग्राम में वी हैव टू इनपुट्स एस एंड आर एंड दो आउटपुट्स होते हैं आपका Qn प्लस 1 एंड Qn प्लस 1 बार. नाउ अगर Qn प्लस 1 हमने ड्रॉ कर लिया है, हम Qn प्लस 1 बार को इजीली ड्रॉ कर सकते हैं. बार मीन्स जब ये 0 है ये 1 होगा, जब ये 1 है तब ये 0 होगा, तो हम इजीली से ड्रॉ कर सकते हैं Qn प्लस 1 बार. यहाँ पर ये Qn प्लस 1 0 है, इट मीन्स Qn प्लस 1 बार 1 रहेगा. ये 0 मान लिया, ये 1 मान लिया. यहाँ पर क्योंकि Qn प्लस 1 0 है, Qn प्लस 1 बार 1 रहेगा. यहाँ पर भी 0 है, यहाँ 1 रहेगा. ये 1 है, यहाँ पर ये 0 में चेंज होगा. एंड क्योंकि यहाँ पर ये 0 में है तो यहाँ नेक्स्ट आपका चेंज होगा 1. नेक्स्ट भी 0 है, यहाँ पर रहेगा 1. यहाँ पर 1 है तो Qn प्लस 1 बार चेंज हो जाएगा 0 में. और जो नेक्स्ट स्टेट है ये स्टेट आपकी इनवैलिड रहेगी. क्लियर? सो दिस इज द आउटपुट वेवफॉर्म फॉर Qn प्लस 1 एंड Qn प्लस 1 बार. टाइमिंग डायग्राम किसी भी फ्लिप फ्लॉप का बनाने के लिए आपको ट्रू टेबल की रिक्वायरमेंट होगी. और चाहे हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की या फिर एक्साइटेशन टेबल की, आपको ट्रू टेबल जरूर याद होनी चाहिए. सो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर जो है वो यही है कि ट्रू टेबल अगर आपको याद हो तो आप टाइमिंग डायग्राम बहुत ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं. आज के लेक्चर के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.